हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज ये मेरा पहला ऐसा व्लॉग है जो मैं अपना मॉर्निंग रूटीन आप लोगों से शेयर कर रही हूँ, यहाँ लंदन में हमारा लाइफ कैसा होता है। तो यूजुअली मैं देखिए 6 बजे उठ जाती हूँ। ये है मंडे का आज का व्लॉग मेरा। तो यूजुअली मंडे से फ्राइडे हमेशा मेरा सेम ही रहता है, स्कूल जाते हैं बच्चे उस टाइम पर। तो सुबह मैं 6 बजे उठ जाती हूँ, बस एक 10 मिनट के बाद मेरा बेटा भी उठ जाता है। तो सबसे पहले मैं एक ग्लास गर्म पानी पीती हूँ और वही एक टाइम होता है जो शायद मैं बैठ के आराम से मतलब एक ग्लास भर के ना पानी पीती हूँ। उसके बाद बस मैं लंच बनाना और नाश्ता उसका तैयारी में लग जाती हूँ। तो आज मैं बेटे के लिए मैं लंच पैक करके नहीं देती हूँ, उनको स्कूल में ही मिलता है, यहाँ पे फ्री मील्स मिलता है। तो बेटे के लिए अभी क्योंकि वो सेकेंडरी में है तो उसको फ्री नहीं रहता है और मैं उसको खुद ही बना के दे रही हूँ। तो प्लान था छोला राइस उसके लिए पैक कर दूँगी और मेरा भी लंच वही हो जाएगा। और नाश्ते में मैं सोच रही हूँ ना वर्मिसली या फिर जो बैम्बिनो बोलते हैं उसका मैं उपमा बना रही हूँ। तो बस आज वही है प्लान। और मेरे हस्बैंड नहीं है, अभी इंडिया गए हुए हैं, तो मतलब ज़्यादा कुछ मैं बनाना रहता नहीं है क्योंकि बच्चों का तो मालूम ही है ना, उन लोग ज़्यादा कुछ खाते हैं नहीं। तो बस सिंपल सा ही चीज़ बनाया है। तो मेरे पास ये चॉपर है, ये चॉपर मैंने B&M से लिया था जस्ट इन केस अगर आप लेना चाहें तो। और ये काफ़ी अच्छा है ये चॉपर, मेरे ख्याल से मुझे 9 पाउंड्स में मिला था तो मैंने वहीं से लिया। और उसे फटाफट मैंने ना बारीक कट कर लिया था प्याज, गाजर, जिंजर और ग्रीन चिली उसी में सब कुछ और मिला के मैंने अंदाजे से ही मैंने वर्मिसेली डाला, मैंने कुछ नापा नहीं है। तो और फिर जैसे ही मैंने वर्मिसेली को थोड़ा सा भून लिया तो मैंने उसमें पानी डाल दिया। थोड़ा सा मैंने गर्म पानी डाला है और उतना ही पानी डाला है जितना कि वर्मिसेली को वो कवर कर सके। तो बस उसको हम लोग पका देंगे। उसके बाद देखिए मैं अपना लंच के लिए भी तैयारी कर रही हूँ छोला बनाने के लिए। तो छोला के लिए तो मैं अपने शॉपिंग व्लॉग में दिखाई हूँ कि मैं स्टैक का कैन लेके आती हूँ। तो कभी कभी ना इमरजेंसी के लिए बहुत सही रहता है ये कि बस आप इसको खोलो ये कैन ओपनर से और फटाफट बना लो, कोई इसमें कोई प्रिजर्वेटिव्स नहीं रहता है तो काफ़ी हेल्दी रहता है ये। तो ये है ऐसे ही मेरा यूजली मेरा मॉर्निंग का व्लॉग ऐसे ही चलता है। यूजली वीकेंड्स में जो है मेरा मॉर्निंग का या फिर व्लॉग या मॉर्निंग का रूटीन या फिर आफ्टरनून का रूटीन थोड़ा डिफरेंट हो जाता है क्योंकि हम लोग से बाकी वीकेंड्स के दिन थोड़ा लेज़ी हो जाते हैं। तो बस थोड़ा हाफ़ एन आवर के बाद ना जो मैं पानी पीती हूँ उसके हाफ एन आवर के बाद मैं एक कॉफ़ी ले लेती हूँ, वो मेरे लिए मस्ट है, बहुत ज़रूरी है। एंड आई रियली इन्जॉय दैट टाइम, उस टाइम का कॉफ़ी बनाना कॉफ़ी पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है मॉर्निंग में। तो पहले मैं चाय पिया करती थी लेकिन अब कॉफ़ी का टेस्ट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है तो बस कॉफ़ी ही चल रहा है। वहाँ मेरा बेटा ना ट्रांसफॉर्मर्स का मूवी लगा के बैठा है और ये एक्चुअली कपड़े का ना मैंने इवनिंग में ही वॉश किया था, मैंने लास्ट इवनिंग, और मैं कपड़े इवनिंग में ही धो दी थी, वही मैंने सुखा दिया फिर। और फिर मैं आपको यहाँ दिखा रही हूँ कि देखिए मशीन ना यहाँ पर क्योंकि इंडोर्स में रहते हैं वॉशिंग मशीन किचन में रहता है तो मोल्ड आ जाते हैं। तो इसको मोल्ड को मैं कैसे साफ़ करती हूँ मैं आज दिखाने वाली हूँ आपको। ये आपको मंथ में 2-3 बार करना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ज़्यादा हो जाता है तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो वो जो ब्लीच होता है ना, मैं जो कोई भी ब्लीच आप यूज़ कर सकते हो, तो ये ब्लीच मैं यूजली कपड़ों में डालने से ज़्यादा मैं क्लीनिंग में ज़्यादा यूज़ करती हूँ। और ये बस आपको ना ब्लीच जहाँ जहाँ मोल्ड है आपको अच्छे से कवर कर देना है। ऐसे ब्रश अगर आपके पास कोई यूज्ड ब्रश हो तो आप उसी से यूज़ कर लो, अच्छे से सब जगह स्क्रब करके इसको 1-2-3 घंटा आपको छोड़ना पड़ेगा। तो जैसे अभी मैंने सुबह कुछ अराउंड 6:30 के आसपास मैंने ब्लीच डाल के रख दिया और फिर जब मैं स्कूल से वापस आऊँगी जब तक ऑलमोस्ट मेरा 2 आवर्स हो ही जाएगा तब मैं आपको दिखाऊँगी कि ये कैसा होता है। तो इसको थोड़ा देर छोड़ना होता है। और अगर मुझे घर में जैसे मैं किचन क्लीनिंग में या फिर टॉयलेट में या शावर का जो एरिया होता है कहीं कहीं वहाँ पर ना मोल्ड आ जाते हैं, लंदन में और UK में ये सब चीज़ प्रॉब्लम होते हैं काफ़ी, तो बस आप उसी ब्लीच यूज़ कीजिए, सबसे बेस्ट होता है। और मैं ज़्यादा प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करती हूँ, बस उतने ही प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ जितना कि हमारे घर में काम आ सके क्योंकि फिर वो बेकार में ना बहुत पैसे वेस्ट हो जाते हैं। तो ज़रूरत नहीं, ब्लीच हो गया, विनेगर हो गया, इस टाइप की चीज़ें ज़रूरत होती हैं वो काम आता है। तो बस
वो ब्लीच डालने के बाद मैं आ गई बेडरूम में अपना बेड सेट करने के लिए, और उधर साइड में मेरी बेटी का बेड है, वो खुद ही सेट करती है स्कूल जाने से पहले, उसको हैबिट किया हुआ है कि वो अपना बेड सेट करके ही स्कूल जाए, तो मैंने अपना कर लिया। कभी कभी वो भूल जाती है, नहीं तो कभी कभी मैं करती हूँ, ऐसा कुछ नहीं कि हमेशा उसी को करना पड़ता है, लेकिन हाँ उसको मैंने आदत किया हुआ है कि वो अपना काम खुद ही करे, क्योंकि ये छोटा बच्चा है उसको भी देखना पड़ता है तो वो मुश्किल हो जाता है। तो बस वो होने के बाद वैक्यूम वगैरह मैं अभी नहीं करती हूँ, सब मैं बाद में करती हूँ, उतना टाइम नहीं रहता है, सुबह 8 बजे ही हमें निकल जाना होता है, तो फटाफट मैं लंच की तैयारी कर रही हूँ, छोला राइस, राइस ऑलरेडी पक चुका है, बॉयल हो चुका है वहाँ पे, तो ये चॉपर मेरे बहुत काम आ रहा है सच में, और जब से चॉपर मेरे पास आया ना, ब्लेंडर का काम काफ़ी कम हो चुका है मेरा, और फिर जो भी बर्तन थे साथ ही धो दे रही हूँ कि ज़्यादा एकदम से ना हो जाए बर्तन, और मैं डिश वॉशर सिर्फ एक ही टाइम यूज़ करती हूँ रात में, और दिन भर में अपने बस हाथ से ही धो लेती हूँ मैं फटाफट, क्योंकि फिर हम लोग को यूज़ भी होता है ना बर्तन, अगर डिश वॉशर में डाल दे तो डिश वॉशर बड़ा होता है काफ़ी, उसमें जब तक फुल नहीं होता है ना डालना, वेस्ट है बर्तन फिर, वो जैसा वेस्ट ऑफ वाटर एंड वो साबुन का वेस्ट हो जाता है, तो बस फटाफट मैं यहाँ पे साफ़ कर ले रही हूँ, और साथ में अपना जो भी खाना आना है उसकी तैयारी भी चल रही है, बच्चों को भी मैं बोल रही हूँ कि जाओ ब्रश करो, तैयार हो जाओ, तो मेरी बेटी तो रेडी होके आ चुकी है, उसको मैंने नाश्ता ऑलरेडी दिया है, वो खाने में बहुत नखरे करती है थोड़ा थोड़ा, अगर मैंने बैम्बिनो में मैंने सब्जी ज़्यादा डाल के बनाया था, तो वो रो रही है कि क्यों इतना सारा कैरेट डाल दिया, मैंने कहा चुपचाप खाओ कुछ नहीं होगा, और जो मेरा बेटा है ना वो बहुत पसंद से खाता है ये सब चीज़ें, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, वो मिर्ची भी रहेगा तो भी खा लेता है, तो वो ठीक ठाक है, मेरे कैसे जब हमारे पहले फर्स्ट बॉर्न जो बच्चे हैं ना उनका थोड़ा नखरे ज़्यादा होते हैं, तो बस देखिए फटाफट मैं अपना छोला रेडी कर ले रही हूँ, ये इस टाइप के जैसे छोला हो गया या फिर यू नो लाइक स्वीट बेबी कॉर्न हो गया, इस टाइप की सब्जी जो होते हैं ना स्पेशल सब्जी, वो मेरे बच्चे बहुत अच्छे से पसंद से खाते हैं, तो जो यही बना दे रही हूँ उसमें प्रोटीन भी रहता है, हेल्दी भी है, देखिए ये मेरे बेटे के लिए है, इसके ऊपर मैं ये पूरी डालती हूँ, उसको बहुत पसंद है, हैदराबाद से हम लोग बिलोंग करते हैं, हैदराबाद में ना ये पूरी के साथ खाते हैं वहाँ पे, ये एक्चुअली मेरे मदर इन लॉ ने इंट्रोड्यूस किया था, और जब से हम लोग को बैम्बिनो वर्मिसेली उपमा सब खाना पसंद आ गया सिर्फ वो पूरी के साथ, तो बस बाकी काम हो गए थे तो फटाफट मैं किचन को थोड़ा क्लीन कर दे रही हूँ, और बर्तन भी जो भी 3-4 बर्तन ना जमा हो गए थे वो सब मैंने साफ़ कर लिया, और डिश वॉशर में ना कल रात में ज़्यादा बर्तन नहीं थे, थोड़े ही थे, तो बस वही सब मैं हटा के सब जगह पे रख दे रही हूँ। तो देखिए लाइफ ना यूके में एक कभी कभी लगता है कि इजी है और कभी कभी डिफ़िकल्ट भी लगता है, क्योंकि एक तो आपको अपने आप ही सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, जैसे बच्चों को स्कूल छोड़ना हुआ या फिर घर का काम करना हुआ, यहाँ पे आपको कोई भी हेल्पिंग हैंड नहीं रहता है, हर चीज़ खुद ही संभालना पड़ता है, जैसे मैंने कहा अभी मेरे हस्बैंड है तो अभी फ़िलहाल सब काम मैं ही कर रही हूँ, बच्चों को छोड़ना, घर देखना या शॉपिंग जाना, तो देखिए मेरी बेटी चली गई सेकेंडरी स्कूल और मैं अपने बेटे को भी मैंने स्कूल ड्रॉप कर दिया, और फिर मैं आ गई सुपरमार्केट, तो आज मैं कोई सुपरमार्केट का वीडियो नहीं डाल रही हूँ, आज ये सिर्फ मेरा मॉर्निंग रूटीन का वीडियो जाने वाला है, और बहुत थोड़ा सा सामान लेना था, ये कुछ वाइप्स लिया मैंने, थोड़ा सा स्पॉन्ज ना बर्तन धोने वाला होता है वो लेना था मुझे, तो मैंने वो ले लिया, ये मैं होम बार्गेन्स में आई थी, होम बार्गेन्स में ये सब चीज़ें काफ़ी कम रहते हैं, देखिए जिस 59p में आपको मिल रहा है, और मैंने वो लिया, मैंने देखा कि होम बार्गेन्स में काफ़ी ज़्यादा क्लीनिंग आइटम के स्टॉक आए हुए हैं, मतलब अलग अलग माइक्रोफाइबर क्लॉथ और सब कुछ आया हो, तो काफ़ी अच्छा लग रहा था, तो इस बार मैंने नहीं ख़रीदा है कुछ भी, बस बेसिक सामान लिए, फिर ये हिमालयन पिंक सॉल्ट वहाँ मिला, इसका प्राइस भी काफ़ी सही था, 89p में आपको 1 kg मिल रहा है, और मैं यूजली हिमालयन पिंक सॉल्ट ही यूज़ करती हूँ, रॉक सॉल्ट ही होता है तो हेल्दी है वो, तो फिर मैं आ गई लिडिल जो उसके बगल में ही है, वहाँ पे ब्रोकली लिया, थोड़ा सा ऑरेंजेस ले लिए, और भी 2-3 आइटम ले लिया जो मैं आपको दिखाऊंगी ज़रूर अभी घर पहुंच के, तो एक्चुअली आज मैं ट्रॉली नहीं ले गई थी, तो पैकेट में ही लेके आना था, तो बस थोड़े ही सामान लिए, से आलू ले लिया, फिर मैंने ना बच्चों के लिए थोड़ा सा एक डेजर्ट ले लिया, स्ट्रॉबेरी ट्रिफल बोलते हैं, और पिज़्ज़ा डो लिया है मैंने कि रात में किसी दिन उनके लिए बना देंगे, तो बस इतने ही सामान थे, थोड़ा सा चॉकलेट्स ले लिया,
बस इस सबको मैं अब जगह पे रख दूंगी और फिर मेरा नाश्ता करने का टाइम हो जाएगा। मैंने सुबह नाश्ता नहीं किया था, बस एक बनाना खा के गई थी, तो फटाफट मैंने भी नाश्ता कर लिया। और फिर मैं आपको दिखा देती हूँ कि मशीन देखिए काफ़ी क्लीन हो चुका है, मोल्ड जो सुबह था उसमें काफ़ी डिफरेंस आ चुका है अभी, तो मैं बस एक बार ब्रश से फिर से स्क्रब करके इसको अच्छे से वाइप कर दूंगी और फिर आपका मशीन जो है एकदम रेडी हो जाएगा नेक्स्ट वॉश के लिए। तो यूजुअली मैं अपना शाम में ही यूज़ करती हूँ। और मैं डिटर्जेंट ना यूजुअली देखिए मैं कोई एक्सपेंसिव डिटर्जेंट्स यूज़ नहीं करती हूँ, जो ऑफ़र में होता है जैसे होम बार्गेन्स चले गए या फिर सुपर मार्केट में हो, जो भी ऑफ़र में होता है मैं वही लेती हूँ। और मैं कुछ ज़्यादा कंडीशनर वंडीशनर वो सब यूज़ नहीं करती हूँ, बहुत कम रेयरली यूज़ करती हूँ, क्योंकि यूजली इनके प्रोडक्ट्स में डिटर्जेंट में ऑलरेडी सब कुछ रहता है। तो बस फटाफट मैंने घर का क्लीनिंग कर लिया, वैक्यूम करती हूँ यूजली और कभी कभी झाड़ू कर लेती हूँ। बस ये होने के बाद देखिए 10 बज चुका है, मेरा घर साफ़ है। आपको ये मेरा वीडियो कैसा लगा, ये व्लॉग कैसा लगा ज़रूर मुझे बताइएगा कमेंट करके। एंड सी यू ऑल विद द नेक्स्ट व्लॉग। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।